हेलो एंड वेलकम टू मोटरवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच गाड़ियों के बारे में जो आपको एसयूवी वाला स्टाइल तो देती ही हैं, साथ में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देती हैं, क्योंकि आजकल सिटी में होने वाला ट्रैफिक और उस ट्रैफिक में मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और कई बार तो इरिटेशन इतनी हो जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं। तो आज जिन गाड़ियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हमने माइलेज के हिसाब से पोजीशन किया है, तो आप हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको नंबर वन गाड़ी ज़रूर पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नंबर पाँच पर आती है निसान की मैग्नाइट। निसान के मैग्नाइट ने ही निसान की लुटिया डूबने से भारत में बचा रखी है और इस गाड़ी का सिर्फ एक ही वेरिएंट है जो कि आपको ऑटोमेटिक में मिलता है, जो कि है टर्बो सीवीटी वेरिएंट। अब अगर मैं इसकी पावर फिगर्स की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 98.63 BHP की पावर और 152 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है। ये गाड़ी 999 CC के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है और इसके अंदर आपको तीन सिलेंडर मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और ये गाड़ी आपको 17.4 की माइलेज क्लेम करती है। अब अगर मैं इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात करूं तो ये गाड़ी आपको एक्स शोरूम 9,99,900 रुपये में मिलती है और ऑन रोड ये आपको 11,34,864 रुपये में पड़ जाती है। अब बात करते हैं नंबर चार की। नंबर चार पर आती है टाटा की पंच। अगर मैं सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से इस पूरी की पूरी लिस्ट को बनाता तो डेफिनेटली ये गाड़ी नंबर वन पर आती, क्योंकि इसमें आपको 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है। पर अगर मैं टाटा पंच के एडवेंचर AMT की बात करूँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 86.63 BHP की पावर और 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में 1199 CC का इंजन दिया गया है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। साथ में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 18.8 का माइलेज भी क्लेम करती है। अगर इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करें तो ये गाड़ी 7,49,900 रुपये में आपको एक्स शोरूम मिल जाती है और अगर ऑन रोड दिल्ली की बात करूं तो ये गाड़ी 8,45,198 रुपये में मिल जाती है। इसके अलावा भी अगर आपके पास बजट 10 लाख का है तो इसके कुछ और भी वेरिएंट्स हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, जैसे कि एडवेंचर AMT रिदम, कैमो एडवेंचर AMT, कैमो एडवेंचर AMT रिदम, अकम्प्लिश्ड AMT। तो ये सारे वेरिएंट भी आपको 10 लाख के ऑन रोड प्राइस के नीचे ही मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर तीन की पोजीशन की। नंबर तीन पर आती है हमारी काइगर, जो कि रेनॉल्ट की तरफ से आती है। वैसे तो मैग्नाइट और काइगर दोनों एक ही जैसी गाड़ियां हैं, लेकिन चूंकि मैग्नाइट में टर्बो के साथ CVT आता है और काइगर में AMT नॉर्मल आता है, तो इस वजह से इसकी पावर फिगर्स थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो इसका RXT AMT ऑप्शनल वेरिएंट आपको इस बजट में मिल जाएगा। अगर मैं इसकी पावर फिगर्स की बात करूँ तो इसमें 71.01 BHP की पावर मिल जाती है, 96 NM का टॉर्क मिल जाता है। ये गाड़ी भी 999 CC के डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है और आपको तीन सिलेंडर इसके अंदर भी मिलते हैं। अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो इसके अंदर भी 40 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और अगर इसकी माइलेज की बात करूं तो 19.03 का ARAI माइलेज ये क्लेम करती है। अब इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो 8,54,990 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस इसको मिलता है और अगर ऑन रोड दिल्ली की प्राइस की बात करूं तो 9,45,270 रुपए में ये गाड़ी आपको ऑन रोड मिल जाती है। अब बात करते हैं नंबर दो की पोजीशन की। नंबर दो पर आती है Hyundai के Exter, जो कि एकदम नई नवेली लॉन्च है और Hyundai की नई नई पेशकश है। अगर इसका SX AMT वेरिएंट आप देखते हैं तो इस वेरिएंट में आपको 81.8 BHP की पावर मिल जाती है, साथ में 113.8 NM का टॉर्क भी मिल जाता है। ये गाड़ी 1197 CC के इंजन के साथ आती है और इसके अंदर भी आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। इसके अलावा अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो इसके अंदर भी आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और अगर माइलेज की बात की जाए तो ये गाड़ी 19.2 का माइलेज क्लेम करती है। अब अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो 8,67,990 रुपए में आपको एक्सयूवी मिलती है और ऑन रोड दिल्ली में ये गाड़ी आपको 9,86,113 रुपए में मिल जाती है। इसके अलावा भी कुछ और वेरिएंट हैं जिनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, जैसे कि SX DT AMT जो कि ड्यूअल टोन मॉडल है और S AMT, इन दोनों वेरिएंट को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं, ये भी आपको लगभग 10 लाख के नीचे ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर वन पोजीशन की। नंबर वन की पोजीशन होल्ड की हुई है मारुति फ्रॉन्क्स ने, जो कि नई नई मारुति की पेशकश है। इसका डेल्टा AMT वेरिएंट आपको 10 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। अब अगर इसकी पावर फिगर्स की बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 88.5 BHP की पावर और 113 NM का टॉर्क मिल जाता है। ये गाड़ी भी 1197 CC के इंजन के साथ आती है और जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो इसके अंदर 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और अगर माइलेज की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी है, जो कि है 22.89 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो ये गाड़ी आपको 8,87,500 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाती है और अगर आप इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली के हिसाब से देखते हैं तो 10,10,648 रुपए का ये ऑन रोड मिलता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएगा। तो यही थी वो पांच गाड़ियां जो कि आपको SUV स्टाइल में तो मिलती हैं,
साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और ऑटोमोटिव से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।